बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के विरोध में सपाइयों ने यूपी भर की तहसीलों पर धरना प्रदर्शन कर हुंकार भरते हुए सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल किया। लखनऊ में भी सपाइयों ने अपनी ताकत दिखाई और मौजूदा सरकार के नीतियों को जन विरोधी नीति बताते हुए हल्ला बोल किया। इस दौरान सपा विधायक ने राज्यपाल की 17 सूत्री मांगों को संबंधित ज्ञापन तहसील के प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। आपको ये भी बता दें कि मौजूदा सरकार में बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर सपा विधायक अम्बरीश पुष्कर के नेतृत्व में एकत्र हुए सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर मौजूदा सरकार की नीतियों को जन विरोधी नीति बताते हुए हल्ला बोल किया। वहीं विधायक अम्बरीश पुष्कर ने हमारे चैनल से बताया कि मौजूदा सरकार से महंगाई अपने चरम सीमा पर है, किसान परेशान है और बिजली के दरों में बढ़ोतरी के बाद भी लोगों को समय से बिजली नहीं मिल रही है। बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार व बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर के यूपी भर के तहसीलों में समाजवादी कार्यकर्ता आज धरना प्रदर्शन करें। अगर बात करें राजधानी लखनऊ की तो इस वक्त मौजूद हैं मोहनलालगंज तहसील में, जहां पर आप देख रहे हैं किस तरह से सपा विधायक के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में यहां पर आए कार्यकर्ता जो है यहां पर हल्ला बोल कर रहे हैं और मौजूदा सरकार के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। हमारे साथ यहां पर मौजूदा विधायक जो है वो भी मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के वो आज यहां पर विरोध प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। सर, किन मुद्दों को लेकर के आज यहां पर आप विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं? देखिए, जब से भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है, आप देख रहे हैं कि प्याज क्या रेट आज की डेट में क्या पहुंच चुका है। आम आदमी को खाने का प्याज आज लोगों के पास, आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। पूरे प्रदेश में जिस प्रकार बत्ती की दरों में, बिजली की दरों में भारी बढ़ोतरी की गई, उसके विरोध में हम लोग आज धरने पे, और प्रदेश में पूरे कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, उसके विरोध में। ये सरकार पूरे देश में मंदी चल रही है, उसके विरोध में। सरकार रोजगार का कोई प्रबंध नहीं कर पा रही है, उसके विरोध में। और किसानों के लिए, जो किसानों की फसलों को लोग नष्ट कर रहे हैं उसके विरोध में, जो आवारा पशु किसानों की फसलों को नष्ट कर रहे हैं उसके विरोध में, तमाम जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं। आज दलित छात्रों को जो है छात्रवृत्ति पर रोक लग गई है, उसके विरोध में हम सभी लोग, जितने लोग हैं यहाँ पे, सब लोग धरने पे हैं। कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। मोहनलालगंज में भी कुछ दिन पहले एक दिन दहाड़े हमारे साथी, एक आर्मी के साथी की दिन दहाड़े हत्या की गई, उसके आज तक कोई सुराग नहीं लगा। उसके विरोध में हम लोग एक संकेतिक धरना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हम लोग दे रहे हैं। अगर सरकार फिर भी नहीं कुछ ठोस कवायद करते तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम लोग विपक्ष में हैं, हम लोग का मुख्य कार्य है कि सरकार को जो गलत नीतियां हैं उसको जनता तक पहुंचाना और सरकार अपने इस माध्यम से सरकार को सचेत करना। आज मात्र 16 से 18 घंटे भी बत्ती हमारे क्षेत्र को उपलब्ध नहीं है, ये सब उसी के विरोध में आज सभी हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल, देख पा रहे किस तरह से हमारे साथ सपा विधायक थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनका यह सांकेतिक धरना है, बावजूद अगर सरकार अपनी नीतियों में सुधार नहीं करते तो वह सड़कों पर उतरेंगे और लगातार विरोध प्रदर्शन करेंगे। लाइव टुडे से अभिषेक कुमार यादव।